हाय एवरीवन, दिस इज सीए गौतम खुराना, योर फैकल्टी फॉर अकाउंट। आज की क्लास में बच्चे, मैं आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ और वो चैप्टर बहुत ही सिंपल चैप्टर है और वो है, चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जब आप आईसीआई का स्टडी मैट देखोगे तो आईसीआई के स्टडी मैट में ये तीन यूनिट्स में चैप्टर बाइफिकेटेड है। मैंने इसे एक ही चैप्टर में कवर कर लिया, एक ही यूनिट बना के इसको कवर किया, क्योंकि चैप्टर बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं रखता। बट हाँ, थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें से ट्रू फॉल्स भी पूछा जा सकता है। चैप्टर अगर आप मेरी बुक में देखोगे बहुत डिटेल है, बहुत लंबा दिया हुआ है, बट मैं जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है पहले वो डिस्कस करूंगा और फिर लेटर ऑन वाली जो बातें हैं वो थोड़ी थोड़ी वो भी करेंगे, ठीक है। चैप्टर लेंदी है, ध्यान रखना चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको लगेगा कि चैप्टर में मैंने काफी सारी चीजें बहुत समराइज वे में कर दी है, और वो समरी में ही आप ऐसे मान के चलो मेरी समरी ही आपके लिए वो डिटेल होगी, मतलब वो डिटेल एनालिसिस होगा इसमें। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ अकाउंटिंग पॉलिसीज होती क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, तो अकाउंटिंग पॉलिसीज का पहले जानेंगे कि पॉलिसीज क्या होती है। जैसे पॉलिसी का मतलब होता है रूल्स, जो रूल्स बनाते हैं। हर एक बिजनेस के अपने कुछ रूल्स होते हैं, कुछ अपनी पॉलिसीज होती हैं। पॉलिसीज फॉर रिक्रूटमेंट, मतलब कंपनी रिक्रूटमेंट कैसे करेगी, नए एम्प्लॉयज को कैसे रिक्रूट करेगी, वो कैंपस प्लेसमेंट करेगी या फिर सीधा इंटरव्यूज ले, डायरेक्ट इंटरव्यूज लेगी, वो कंपनी की पॉलिसी होती है। सिमिलर अकाउंटिंग पॉलिसी भी होती है, कंपनी अपने अकाउंट्स कैसे बनाएगी, उसके लिए क्या क्या रूल्स होंगे, उन रूल्स की बातें करें तो वो रूल्स प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल हम उनकी बात करते हैं। अब देखो अकाउंटिंग पॉलिसीज का यहाँ मीनिंग क्या दिया हुआ है, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी की बात करो तो क्या लिखा हुआ है, अकाउंटिंग पॉलिसीज रेफर्स टू स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, रेफर्स टू स्पेसिफिक कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड द मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दिस प्रिंसिपल्स अडॉप्टेड बाय द एंटरप्राइज इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब होता है कि कब जो हमने स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं हमारे, वो प्रिंसिपल्स और मेथड ऑफ अप्लाइंग दिस प्रिंसिपल्स, मतलब आप वो मेथड्स की बात करते हो जिन मेथड्स के थ्रू आप इन प्रिंसिपल, मतलब अकाउंटिंग पॉलिसीज अगर मैं देखूँ तो मैं अगर ऐसे देखूँ अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है, अकाउंटिंग पॉलिसी इज इक्वल टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, मतलब जो आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, और प्लस इसमें मैं क्या ऐड कर लूँ, मैं वो मेथड्स ऐड कर लूँ जिन मेथड्स के थ्रू आप इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं, उन दोनों को ऐड कर लूँ तो वो क्या बनता है, आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी बनती है। वो भी किसमें, इन द प्रिपरेशन, मतलब प्रिपरेशन बनाने में, और उनकी प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रेजेंटेशन में ये जो आप करते हो इसी को, मतलब आप ये जो प्रिंसिपल्स लगाते हो और जो मेथड्स लगाते हो उनको मैं क्या बोलता हूँ, मैं उनको अकाउंटिंग पॉलिसी बोलता हूँ। आगे बोल रहे हैं, बोले पॉलिसी आर बेस्ड ऑन वेरियस अकाउंटिंग कंसेप्ट प्रिंसिपल एंड कन्वेंशन। कह रहे हैं देयर इज नो सिंगल लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, मतलब बहुत सारी पॉलिसीज होती है। जैसे डेप्रिसिएशन लगाने के लिए आपने इतने सारे मेथड देखे, स्ट्रेट लाइन, डिमिनिशिंग, मशीन आर, आपके पास यूनिटरी मेथड, सम ऑफ ईयर डिजिट, मतलब बहुत सारे मेथड्स है। तो अब इन मेथड्स में आपको चूज भी तो करना पड़ेगा। आपके पास अगर देखो, अगर मेरे पास एक सिंगल रूल, मतलब एक ही मेरे पास तरीका हो, मेरे पास एक सिंगल सेट ऑफ रूल्स हो, फिर तो बात खत्म हो जाती है। एक्चुअली अकाउंटिंग बहुत डाइवर्स है, मतलब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है तो आपको क्या करना पड़ता है, उन डिफरेंट ऑप्शन में से एक सिंगल ऑप्शन को क्या करना पड़ता है, आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। तो अगर मैं बात करूं, वो क्या कह रहा है, देयर इज नो सिंगल लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज व्हिच आर एप्लीकेबल टू ऑल एंटरप्राइज इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। एंटरप्राइज ऑपरेट इन डाइवर्स एंड कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंटल सिचुएशन एंड सो दे हैव टू अडॉप्ट वेरियस पॉलिसीज, इसलिए उनको अलग अलग पॉलिसीज को चूज करना पड़ता है। द चॉइस ऑफ स्पेसिफिक अकाउंटिंग पॉलिसी appropriate to specific circumstance in which the enterprise is operating calls for the considerate judgment by the enterprise or management, मतलब कौन सी पॉलिसी आपको सूट करती है, आपको अपने बिजनेस को देखना चाहिए, उस बिजनेस के हिसाब से आपको वो प्रिंट पॉलिसी को इस्तेमाल करना चाहिए। आगे कह रहा है कि आईसीआई क्या करता है, देखो आईसीआई ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप करता है। जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप हो जाता है तो फिर इसका मतलब होता है फिर आपके लिए कुछ भी नहीं है, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब हो गया मैंडेटरी, मतलब आपके ऊपर एक मैंडेटरी फोर्स लग गया, आपको अकाउंटिंग ऐसे ही करनी है। और जहां पर अकाउंटिंग पॉलिसी, मैं ऐसे बोलूं, जहां पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है वहां पर आप अपनी पॉलिसी बनाते हो, अपने तरीके से काम करते हो। जैसे कई जगह पर सीए इंस्टीट्यूट ने हम आपको मतलब क्या कर रखा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं देते हो तो वहां सीए इंस्टीट्यूट ने क्या दिया हुआ है, आपको कुछ गाइडेंस नोट दिए हुए। तो सी इंस्टीट्यूट क्या करता है, द आईसीआई हैज ट्राइंग टू रिड्यूस द नंबर ऑफ एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग पॉलिसी
उसने कहा कि आपको इतने सारे ऑप्शंस में उसने लिमिट कर दिया कि यही यूज करो थ्रू गाइडेंस नोट्स एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इट्स कॉम्बिनेशन एफर्ट्स विद द गवर्नमेंट एंड अदर रेगुलेटरी एजेंसीज एंड द प्रोग्रेसिव मैनेजमेंट ऑलरेडी इट हैज बीन अचीव सम प्रोग्रेस इन दिस रिस्पेक्ट. मतलब आईसीआई ने क्या रखा है, जहां आपको दिक्कत आती है मतलब वहां उसने खुद ही बताते हैं कि ये वाला मेथड चूज करना स्टैंडर्ड के थ्रू या फिर गाइडेड नोट्स के थ्रू. बट वो जो स्टैंडर्ड्स और गाइडेड नोट जो वो खुद अकेले नहीं बनाता, वो जब भी बनाता है सरकार मतलब गवर्नमेंट के साथ मिलके और जितनी भी रेगुलेटरी एजेंसी लाइक आरबीआई, सेबी और इरडा मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन सब के साथ मिलके. मतलब अगर आप देखो, आप जब सी इंटर में आओगे तो हम आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ाएंगे, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनता कैसे है. ये नहीं कि सी इंस्टीट्यूट में तो दो सीए चले गए या दस सीए, इसमें बहुत सारे लोगों का पार्टिसिपेशन होता है, लोगों से सजेशंस लिए जाते हैं, लोगों से अप्रूव कराया जाता है एंड देन फिर एक स्टैंडर्ड बाहर निकल कर आता है. ऐसा नहीं कि दो सी इंस्टीट्यूट खुद स्टैंडर्ड बना देगा, वो गवर्नमेंट से कंसल्ट करता है, उसमें बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं अलग अलग जगह, सीएस इंस्टीट्यूट से होते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट से होते हैं, तो बहुत जगह से लोग मिलते हैं और तब जाके क्या होता है एक स्टैंडर्ड डेवलप होता है. तो मैं आपको बताऊं आईसीआई क्या करता है. मतलब आप ऐसे देखो, मेरे पास बहुत डाइवर्स पॉलिसीज है, तो सी इंस्टीट्यूट मुझे क्या कर रहा है, स्टैंडर्ड्स या गाइडेंस नोट देके बता रहे कि आप इस तरीके से करो तो ज्यादा फेयर प्रेजेंटेशन आएगा. अब देखो क्या रहा था, एरिया वेयर इन डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज आर फ्रीक्वेंटली एनकाउंटर कैन बी गिवन. मतलब ये वो सिचुएशंस है जहां आपको अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज मिलती है, जैसे डेप्रिसिएशन लगाना है, डिप्लीशन कैसे लगाना है, एमोटाइजेशन करनी है, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कैसे करनी है, फीफो मेथड, आपके पास लीफो मेथड होता है, फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज, स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड, दे आर डिफरेंट मेथड्स. तो हमें AS2 जब हम पढ़ेंगे तो वहां सारी सारी बातें साफ साफ लिखी गई है, आप इसको कैसे यूज करोगे, मतलब कौन सा वाला मेथड आपको यूज करना चाहिए. फिर उसके बाद मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, आप इतने सारे मेथड्स पढ़ चुके हो, जैसे सुपर प्रॉफिट, नॉर्मल जो आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, इतने सारे मेथड्स तो आप भी पढ़ चुके हो. और नेक्स्ट है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसके लिए भी मेरे पास डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल है. बट इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि AS दिए हुए हैं, उस AS के थ्रू मतलब ICA मुझे सजेस्ट करता है कि मुझे वैल्यूएशन इस तरीके से करना चाहिए, मुझे इनके लिए पॉलिसीज ऐसे बनानी चाहिए. कह रहा है अकाउंटिंग पॉलिसीज का मतलब क्या है, जो मैं ऊपर बता रहा हूँ, रेफर्स टू सम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, फॉर एग्जाम्पल वैल्यूएशन इन्वेंट्री एट लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रिलाइजेबल वैल्यू और सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट इन अकाउंटिंग. मतलब क्या होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का, मतलब क्या होता है, जैसे मेरे स्टॉक को वैल्यूएशन करने का प्रिंसिपल है, मैं तो स्टॉक को वैल्यूएशन करता हूँ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, विच एवर इज लोअर, जो लोअर होती है वो मैं उठाता हूँ. लेकिन एक कंपनी की पॉलिसी है वो स्टॉक को कैसे वैल्यू करती है, हमेशा कॉस्ट में करती है. मतलब एक कंपनी की पॉलिसी है स्टॉक जब भी वैल्यू होगा कॉस्ट पर होगा, मेरी कंपनी की पॉलिसी है स्टॉक जब भी वैल्यू होगा किस पर होगा, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, विच एवर इज लोअर. लेकिन हम अब कॉस्ट निकालने के लिए मेथड कौन से अप्लाई करते हैं, कह रहा है मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दोस प्रिंसिपल, फॉर एग्जांपल वी आर यूजिंग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, मतलब फीफो मेथड बोलते हैं, फीफो मेथड मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड हम यूज करते हैं, वो भी किसके लिए, और वेटेड एवरेज मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, और यूजिंग स्ट्रेट लाइन और रिटन डाउन वैल्यू मेथड फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन. कह रहा है अकाउंटेंट हैज टू मेक डिसीजन फॉर फ्रॉम वेरियस ऑप्शन फॉर रिकॉर्डिंग और डिस्क्लोजिंग आइटम्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. मतलब एक अकाउंटेंट को डिसाइड करना चाहिए कि उन्हें इन डिफरेंट पॉलिसी में से मतलब डिफरेंट मेथड में से कौन सा मेथड उसको यूज करना. बट हाँ, सी इंस्टीट्यूट आपके इस बर्डन को कम करता है, वो भी किसके थ्रू, स्टैंडर्ड्स के थ्रू, और साथ साथ किसके थ्रू, गाइडेंस नोट्स देता है आपको. गाइडेंस नोट्स देके वो आपको क्या करता है, आपको बताता है कि आपको अपनी रूल्स पॉलिसी इस तरीके से बनानी चाहिए. ठीक है जी, बात समझ आ रही है बच्चे. नेक्स्ट है आपका सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, आपको अकाउंटिंग पॉलिसी कैसे सिलेक्ट करनी. जो सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, जो सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी है वो क्या कह रहा है, द चॉइस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, चॉइस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी इज एन इम्पॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन विच अफेक्ट द परफॉर्मेंस मेजरमेंट एज वेल एज फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस एंटिटी. मतलब आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी से बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, आपकी पॉलिसी चेंज होने से आपके प्रॉफिट्स या परफॉर्मेंस पे बहुत इंपैक्ट पड़ेगा. ध्यान रखना, अगर आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी गलत है तो हो सकता है आप जो अपने बिजनेस का परफॉर्मेंस बता रहे हैं वो गलत हो सकता है, मतलब वो ओवर स्टेटमेंट भी हो सकती है, अंडर स्टेटमेंट भी हो सकती है, उससे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है. वो क्या कह रहा है बच्चे, देखो कह रहा है कि भी चॉइस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी इज एन इम्पॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन विच अफेक्ट द परफॉर्मेंस मेजरमेंट, परफॉर्मेंस मेजरमेंट पे इम्पैक्ट डालता है, एज वेल एज द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस एंटिटी.
सिलेक्शन ऑफ इन अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी में लीड टू अंडर स्टेटमेंट. अंडर स्टेटमेंट का मतलब कम करके दिखाना, ओवर स्टेटमेंट मतलब ज्यादा करके दिखाना. तो ऐसा हो सकता है. कह रहा है अंडर स्टेटमेंट और ओवर स्टेटमेंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड द फाइनेंशियल पोजिशन. दस अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी सिलेक्टेड विद ड्यू केयर आफ्टर कंसिडरिंग इट्स इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज फ्रॉम द एंगल ऑफ वेरियस यूजर्स ऑफ अकाउंट्स. ठीक है. कह रहा है द थ्री कैरेक्टरिस्टिक विच शुड बी कंसिडर्ड. ये सबसे इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है, ये एग्जाम में लिखने को आ सकता है जो मैं अब डिस्कस कर रहा हूँ. कह रहे कि देर आर थ्री मेजर कैरेक्टरिस्टिक विच शुड बी कंसिडर्ड फॉर द पर्पज ऑफ सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी. मतलब जब भी आप एक अकाउंटिंग पॉलिसी बनाए एक बिजनेस के लिए, जब भी कोई अकाउंटिंग पॉलिसी सेटल होती है, व्हेन वी आर सेलेक्टिंग एनी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर अ बिजनेस, दीज थ्री पॉइंट शुड बी कंसिडर्ड. ये तीन पॉइंट्स को आपको देखना ही देखना है. क्या क्या? एक तो प्रूडेंस को देखना है, दूसरा सब्सटेंस ओवर फॉर्म को देख, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, एंड द थर्ड मटेरियलिटी. ये तीन बातें आप हमेशा ध्यान रखें. जैसे होता है ना कि आप कुछ चीज सेलेक्ट करते हो, कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखते हो, तो यहाँ पर कह रहा है आप एक बिजनेस के लिए अकाउंटिंग पॉलिसी बनाएं तो इन तीन बातों को जरूर देखें. प्रूडेंस को देखें, सब्सटेंस ओवर फॉर्म को देखें, और साथ साथ किसको देखें? मटेरियलिटी को देखें. प्रूडेंस का मतलब होता है वाइजली काम करना, मतलब समझदारी से काम करना. समझदार कौन है? जो फ्यूचर लॉसेस को प्रिडिक्ट करता है, पहले से ही देखता है. तो वो क्या कह रहा है? फ्यूचर इज अनसर्टेन, हेंस द डिसीजन आर टू बी मेड वाइजली. मतलब समझदारी से काम करना, मैंने प्रूडेंस, इसको आप प्रूडेंस बोल दो. कह रहा है एज पर द प्रूडेंस कंसेप्ट लॉस इज टू बी रिकॉग्नाइज इवन इट इफ इट इज नॉट श्योर. अगर लॉस को पहले ही बुक कर लो, अगर डाउट है तो, श्योर नहीं है डाउट है तब भी बुक कर ले. बट द प्रॉफिट दो वेरी श्योर शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज. मतलब प्रॉफिट के बारे में आप श्योर हो तब भी नहीं रिकॉग्नाइज करना चाहिए, अनलेस वो मेरे हाथ में आना गया, जब तक वो रियलाइज ना हो गया. कह रहे इवन इफ इट इज नॉट श्योर, मतलब सॉरी शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज. प्रॉफिट आर टू बी रिकॉर्डेड ओनली व्हेन इट इज रियलाइज. मतलब जब प्रॉफिट क्या होते हैं, प्रॉफिट रियलाइज हो जाते हैं तभी उनकी रिकॉर्डिंग करनी चाहिए, अदरवाइज मुझे उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करनी चाहिए. ठीक है. आगे देखो, कह रहे हैं इन शॉर्ट अनरियलाइज लॉसेस प्लस रियलाइज लॉसेस बोथ आर टू बी रिकॉर्डेड बट इन केस ऑफ प्रॉफिट ओनली रियलाइज प्रॉफिट टू बी अकाउंटेड. मतलब लॉसेस, मतलब आपको वाइजली काम करना चाहिए, होने वाले प्रॉफिट्स को बुक नहीं करना चाहिए. अकाउंटेंसी शुरू से बात कहती है, और ये बात आप कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस में आप पढ़ चुके हैं कि प्रूडेंस में मुझे ये कहती है, वो कह रहा है कि पॉलिसी कौन सी है. मतलब आप देखो मेरे पास दो पॉलिसी है, एक से मेरे प्रॉफिट ज्यादा आएंगे, एक से मेरे कम आएंगे, तो इट इज बेटर टू सिलेक्ट द पॉलिसी जिससे प्रॉफिट्स कम आएंगे. बेशक वो बाद में जाके मतलब मुझे रिकवर हो जाए, लेकिन अभी जो प्रॉफिट्स को ज्यादा दिखा रहा है, अननेसेसरी ज्यादा दिखा रही है, ऐसी पॉलिसी को मुझे सिलेक्ट नहीं करना चाहिए. मतलब ऐसा नहीं कि मुझे प्रॉफिट्स कम दिखाने हैं, मुझे ऐसी पॉलिसी नहीं दिखनी चाहिए जिससे मेरे प्रॉफिट्स अननेसेसरी ज्यादा दिखे. हाँ ज्यादा है तो दिखे, एक्चुअल में ज्यादा है तो दिखे. मतलब मैं अपने स्टॉक की वैल्यूएशन बढ़ा के अगर प्रॉफिट दिखा रहा हूँ तो वो गलत हो जाएगा. मैं रियलाइजेबल वैल्यू मतलब बड़ा बड़ा के दिखा रहा हूँ तो वो पॉसिबल नहीं. मतलब ऐसी पॉलिसी सिलेक्ट करनी चाहिए जो प्रूडेंट हो. दूसरा वो कह रहा है इन्वेस्टमेंट्स आर वैल्यूड कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस. हाउएवर द एक्सरसाइज ऑफ प्रूडेंस डज नॉट अलाउ द क्रिएशन ऑफ हिडन रिजर्व. मतलब प्रूडेंस का मतलब ये नहीं है कि आप ऐसी पॉलिसी बनाओगे रिजर्व्स, हिडन रिजर्व्स क्रिएट हो जाए, अंडर स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स मतलब इनकम हो, और ओवर स्टेटमेंट ऑफ लाइबिलिटी. ऐसा भी नहीं करना, आपको ट्रू एंड फेयर फिगर पे लाने की कोशिश. हाँ अननेसेसरी प्रॉफिट्स बुकिंग की बात आपको नहीं करनी है. नेक्स्ट है सब्सटेंस ओवर फॉर्म. कह रहा है वन शुड बी सी द इकोनॉमिक रियलिटी ऑफ ट्रांजेक्शन एंड नॉट द लीगल फॉर्म. कह रहा है लीगल फॉर्म इज टू बी इग्नोर्ड बट एंड द सब्सटेंस इज टू बी कंसीडर. मतलब वो कह रहा है कि आपको सिर्फ लीगैलिटी की तरफ बात नहीं करनी, आपको सब्सटेंस ओवर फॉर्म जाके बात करनी है. सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब होता है बच्चे आप जब भी बात करें तो आप सब्सटेंस को देखें. सब्सटेंस क्या है? जैसे आपके लिए ज्यादातर टीचर्स आपको ये एग्जांपल देंगे, जैसे मैंने एक एसेट खरीदी, हायर परचेज पे खरीदी. आप एक चैप्टर पढ़ेंगे, जो बीकॉम कर रहे हैं उन्होंने अभी पढ़ा होगा, और जो सीए परस्यू कर रहे हैं जिन्होंने अभी बीकॉम नहीं किया, तो इंटर में एक चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा मैं, और उसका नाम है हायर परचेज सिस्टम. हायर परचेज सिस्टम में क्या होता है, एसेट बाय करते हैं किश्तों में, बट उसमें एक चीज होती है, जैसे मैंने 50,000 की एसेट खरीदी, इसके लिए मैंने डाउन पेमेंट दे दी 5,000 और बाकी, या डाउन पेमेंट दे दी 10,000, बाकी 10,000 की मैं 4 किस्तें दूंगा. और एज पर हायर परचेज सिस्टम आपको एसेट की ऑनरशिप कब मिलती है, जब वो आपको सारी किस्तें पे कर देते हो, उससे पहले आपको वो एसेट आपके नाम पे नहीं आती. तो इसका मतलब ये है कि क्या मैं इस एसेट का ऑनर हूँ? लीगल फॉर्म में देखूँ तो नहीं हूँ,
बट एक्चुअल में ऑनर मैं बन गया हूँ, आज ही मेरे नाम पर आ गई है, मतलब लीगल पेपर नहीं आए। बट जैसे मैं कोई कार खरीदता हूँ, अगर मैं हायर परचेज पे खरीदूंगा, बट उसके जो मतलब जो रिस्क होंगे, उस रिस्क एंड रिवॉर्ड सारे मेरे नाम पर ही होंगे। तो यहाँ पर आप कहते हैं देखने में, अगर लीगल फॉर्म में पेपर के पॉइंट ऑफ से देखो तो आप ऑनर नहीं हो, बट एक्चुअल में आप ऑनर हो, इसलिए आप इस कार को या इस एसेट को आप क्या दिखाओगे, आप अपनी बुक्स में दिखाओ। फॉर एग्जाम्पल एक और लेता हूँ, मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी, मैंने प्रॉपर्टी की पेमेंट भी कर दी है और मैंने प्रॉपर्टी पे काम भी करना शुरू कर दिया, मतलब उधर अपना ऑफिस भी खोल लिया है, लेकिन ड्यू टू सम रीजन उसके पेपर्स मेरे नाम पे नहीं हुए, तो लीगैलिटी के हिसाब से मैं उसका मालिक नहीं हूँ। तो क्या मैं ऐसे देखूँ, मैंने आपको 10 लाख रुपए या 10 लाख नहीं 1 करोड़ रुपए एडवांस देके एक प्रॉपर्टी खरीद ली। अब 1 करोड़ रुपए देके अगर मैंने प्रॉपर्टी खरीद ली, मैं उसका पोजेशन भी ले लिया, पेपर मेरे रुक गए ड्यू टू एनी रीजन, तो क्या मैं अपनी बुक्स में लिखूं प्रॉपर्टी को एसेट दिखाऊं, या मैं लिखूं कि एडवांस फॉर प्रॉपर्टी? तो इट्स बेटर कि आप क्या लिखो, प्रॉपर्टी को लिखो, क्योंकि प्रॉपर्टी आपके पास होगी है। सिर्फ लीगल फॉर्म की तरफ नहीं जाना, मतलब आपको ये देखना है एक्चुअल में क्या, एक्चुअल में तो आप ऑनर बन ही चुके हैं, पोजेशन आपके पास है, बस 1-2 दिन में पेपर ही तो होने, तो लीगैलिटी की तरफ नहीं जाना, सब्सटेंस देखना है। अगर सब्सटेंस आपको उस एसेट का मालिक बना गई है तो आपको उसको मालिक दिखाना ही पड़ेगा। लीगली आपके पेपर अभी आपके नाम पर नहीं हुए, कोई बात नहीं, लेटर में आपके पास पेपर। जैसे आप कार किस्तों पे खरीदते हैं तो कार की ऑनरशिप आपको कब मिलती है, जब आप सारी किस्तें पे कर देते हैं। लेकिन आप अगर देखा जाए जो अथॉरिटीज होती हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, या फिर उनके लिए तो आप ही मालिक माने जाते हैं, वो लिखा तो आप ही का नाम जाता है कि भी आप उस उसके जो भी उसके रिस्क रिवॉर्ड्स होते हैं उसके लिए तो आप ही लाइबल होते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि सब्सटेंस आपको ऑनर दिखा रहा है, तो जब सब्सटेंस आपको ऑनर दिखा रहा है तो आपको उसे ऑनर दिखाना ही, उसे अपनी बुक्स में एसेट की तरह बुक करना ही पड़ता है। नेक्स्ट है मेटेरियलिटी। जब आप अपनी पॉलिसी को बनाएं तो मेटेरियलिटी को भी ध्यान रखें। जैसे कई लोग अपनी पॉलिसी बनाते हुए ये लिखते हैं कि भी मेटेरियलिटी, मतलब चीज़ों को देखते हैं कि क्या वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, अगर इंपॉर्टेंट है तो उसका डिस्क्लोजर देंगे, अगर वो इररिलेवेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे आप देखो, मैं कैलकुलेटर को एसेट क्यों नहीं दिखाता, कैलकुलेटर भी तो लाइफ 2 साल कैपिटल को, जैसे मैं कैलकुलेटर बाय करता हूँ तो हम जनरली उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखाते हैं बिकॉज उसकी वैल्यू बहुत कम होती है। तो मैं आपको बताऊँ मेटेरियलिटी, मतलब वो क्या कह रहा है, इफ द डिसीजन ऑफ द इन्वेस्टर चेंजेस बाय असेसिंग द ट्रांजेक्शन देन द ट्रांजेक्शन इज मटीरियल। मतलब अगर उस इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन मटीरियल कब मानी जाती है, जिसके मतलब मालूम होने से या जिसकी इन्फॉर्मेशन होने से, जिसको अगर आप पता होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो इमटीरियल है। पता होती या नहीं होती तब भी आपका डिसीजन सेम रहता है तो उसको बोलते हैं इमटीरियल इन्फॉर्मेशन। लेकिन उसको पता होने से अगर आपका डिसीजन बदल जाता तो उसको बोलते हैं मटीरियल, ये इन्फॉर्मेशन मटीरियल है। कह रहा है द डिसीजन ऑफ इन्वेस्टर चेंजेस विद द असेसिंग द ट्रांजेक्शन देन द ट्रांजेक्शन इज मटीरियल। इन अदर वर्ड्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड डिस्क्लोज ऑल द फैक्ट्स विच मे इन्फ्लुएंस द माइंड्स ऑफ शेयर होल्डर। बट यहाँ पर आपको मटीरियल अपनी पॉलिसी बनाते हुए ध्यान रखना चाहिए कि वो पॉलिसी मतलब उन्हीं चीजों को दिखाए जो मटीरियल है, जो इमटीरियल आइटम है उन पे फोकस नहीं करना चाहिए। मतलब जब भी, और मटीरियलिटी बच्चे बिजनेस के साइज पे डिपेंड करती है। हो सकता है कि एक बिजनेस जो करोड़ों में डील कर रहा हो उसके लिए 5 लाख बड़ी आइटम ना हो, और एक बिजनेस जो बहुत ज्यादा काम नहीं करता उसके लिए 5000 बहुत बड़ी आइटम हो। तो मटीरियलिटी, मतलब आप अपनी पॉलिसी बनाएं तो मटीरियलिटी का कंसेप्ट भी देखें कि क्या वो पॉलिसी बनाने का, जिस आइटम के लिए आप पॉलिसी बना रहे हैं वो मटीरियल है या नहीं है। अगर वो इमटीरियल है तो उसके लिए कोई प्रॉपर पॉलिसी बनाने की जरूरत नहीं है। तो उसका मतलब जब भी मैं अकाउंटिंग पॉलिसी बनाऊंगा तो मैं इन 3 बातों को ध्यान रखूंगा, प्रूडेंस को, सब्सटेंस ओवर फॉर्म को, और साथ साथ किसको ध्यान रखूंगा, मैं मटेरियलिटी को मैं ध्यान रखूंगा। इन 3 बातों को ध्यान रखते हुए मैं अपनी स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करूंगा। तो क्या लिखा है बच्चे, कह रहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सच अकाउंटिंग पॉलिसी विच एग्जिबिट, मतलब ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ बैलेंस शीट एंड द प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब आपको क्या करना है, जब भी कोई अकाउंटिंग पॉलिसी बनानी है तो उसका इंपैक्ट बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल पे इस तरीके से पढ़ना चाहिए जो आपके बिजनेस का ट्रू एंड फेयर व्यू शो करे, कोई ऐसा नहीं अननेसेसरी आपकी आइटम्स को बढ़ा के ना दिखाए। ठीक है जी। नेक्स्ट है बच्चे, आपका जब पॉलिसी, अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होती है, क्या अकाउंटिंग पॉलिसी हम चेंज कर सकते हैं? तो हमने कंसेप्ट पढ़ा था कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल मुझे कहता है कि अगर एक बार मैंने अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी बना ली तो मैं उसको चेंज नहीं करूंगा। बट उसके साथ ना थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। यस, अगर मैंने गलत पॉलिसी सेलेक्ट कर ली है तो क्या मुझे उसे चेंज करना चाहिए? यस, मेरी पुरानी पॉलिसी गलत है तो क्या मैं उसको चेंज कर सकता हूँ? यस, कर सकता हूँ। अगर मुझे लगता है कि मेरी पुरानी पॉलिसी से मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दिखाती, कैन आई चेंज माई पॉलिसी? यस, कर सकते हैं। बट मुझे इसका डिस्क्लोजर देना होता है कि मैंने चेंज की है, क्यों की है, और उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। जैसे मेरी पॉलिसी चेंज करने से
मेरे प्रॉफिट्स में 10 लाख रुपए का डिक्लाइन आ रहा है, उसका मतलब ये बात मुझे बतानी पड़ेगी मेरा प्रॉफिट 10 लाख रुपए कम होता जा रहा है। तो आप देखो चेंज इन अकाउंट, नेक्स्ट टॉपिक है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। कह रहा अकाउंटिंग पॉलिसी हैव टू बी कंसिस्टेंट फ्रॉम ईयर टू ईयर, हाउ अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी कैन बी मेड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। इन सिचुएशंस में आप अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकते हो। फर्स्ट, इफ द अडॉप्शन ऑफ डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी इज रिक्वायर्ड बाय स्टैट्यू और फॉर कंप्लायंस विद एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मतलब कानून बदल गया है इसलिए मुझे चेंज करना पड़ रहा है, या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आ गए, जैसे पहले किसी पॉइंट के ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं था, हर बिजनेस अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी बना के बैठा हुआ था, अब गवर्नमेंट या ICAI ने क्या किया, एक स्टैंडर्ड इशू किया और मुझे उस स्टैंडर्ड के हिसाब से अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करना, तो करना पड़ेगा, ये लॉ में चेंज आ गया। इंडिया में कंपनी लॉ अगर चेंज होता है, कंपनी लॉ में किसी स्पेसिफिक अकाउंटिंग पॉइंट के लिए रूल्स बदल जाते हैं, तो देन यू हैव टू चेंज योर पॉलिसी, तो बदलना ही पड़ेगा ना उस केस में, तो आप ये नहीं कह सकते मैं अकाउंटिंग, तो कंसिस्टेंसी से आप कंटिन्यूअसली सेम रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को फॉलो करोगे, बट यू कैन चेंज योर पॉलिसी अगर आपको लगता है कि आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज डिजायर्ड है। नेक्स्ट वो क्या कर रहा है, इफ इट इज कंसीडर्ड दैट द चेंज वुड रिजल्ट इन मोर एप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर आपको लगता है कि आपको रूल्स बदलने से आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ज्यादा अच्छी दिखेंगी, तो आप ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी मे हैव मटीरियल इफेक्ट ऑन द आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फॉर एग्जाम्पल इफ डेप्रिसिएशन मेथड इज चेंज फ्रॉम स्ट्रेट लाइन टू रिटन डाउन वैल्यू मेथड, और इफ द कॉस्ट फॉर्मूला फॉर यूज फॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री इज चेंज फ्रॉम वेटेड एवरेज टू फीफो, इफ द इंटरेस्ट इज कैपिटलाइज विच वॉज अर्लियर नॉट इन प्रैक्टिस, और इफ प्रोपोर्शनट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज चार्ज टू इन्वेंट्री विच वॉज अर्लियर नॉट द प्रैक्टिस, ऑल दीज इंक्रीज और डिक्रीज द नेट प्रॉफिट, मतलब आप ये सारी चीजें बदलते हैं, इनमें से कोई एक चीज भी बदलते हैं तो प्रॉफिट पे उसका इंपैक्ट पड़ेगा, तो वो कह रहा है कि अगर आप चेंज करते हैं तो वो चेंज का डिस्क्लोजर देना चाहिए। कह रहा है अनलेस द इफेक्ट ऑफ सच चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इज क्वांटिफाइड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मे नॉट हेल्प द यूजर of accounts, therefore it is necessary to quantify the effect of change on financial statement items like asset liability, मतलब अगर आप policy change करते हैं तो आपको policy change करने का reason बताना चाहिए और उसका disclosure भी दे देना चाहिए। ठीक है जी, बात समझ आ रही है बच्चे? This is called accounting policy, कि accounting policy में अगर changes आते हैं तो आप वो change कर सकते हैं, but उस change का disclosure देना पड़ेगा, रीजन देना पड़ेगा, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करंट पीरियड और फ्यूचर पीरियड में उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये आपको साथ में डिस्क्लोजर देना चाहिए। क्लियर है बच्चे? चलो अब हम बात करते हैं किसकी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की और इंड एएस की। तो मैं आपको बताऊं, आपके पास तीन टर्म्स है, एक है एएस, एक है आपके पास इंड एएस, और ये आपके पास आईएफआरएस। इन तीनों के बारे में आपको पढ़ना है, एएस के बारे में, इंड एएस के बारे में और आईएफआरएस के बारे में आपको पढ़ना है। एएस क्या होते हैं ये समझते हैं, और फिर उसके बाद क्या समझते हैं इंड एएस क्या होते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं हम आईएफआरएस क्या है। अगर मैं बात करूं जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, ये बात आप पहले ही पढ़ चुके हैं, नाम सुन चुके हैं, सी इंस्टीट्यूट जो होता है, मतलब जो एपेक्स अकाउंटिंग बॉडी होती है कंट्री की, वो इशू करते हैं। जैसे इंडिया में ICAI अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप करता है, मतलब बनाता है और उसको इशू करता है, बट कंपनीज के लिए वो गवर्नमेंट खुद करती है। अगर मैं बात करूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वो रूल्स हैं जो आपको अकाउंट्स प्रिपेयर करने में मदद करते हैं, मतलब जिनके बेस पे, मतलब जो एक कंट्री की जो अकाउंटिंग बॉडी होती है वो रूल्स बनाती है, वो फ्रेमवर्क बनाती है जिसके बेस पे आपको अकाउंट्स बनाने, तो वो रूल्स की जो मैं कह सकता हूँ जो वो सेट ऑफ रूल्स है, मैं उसी को क्या बोलता हूँ, मैं उसी को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलता हूँ। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर द रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स issued by the expert accounting body like ICAI or government, मतलब मैंने बताया ना companies के लिए government issue करती है, और other regulatory body covering the aspect of recognition, measurement, presentation and disclosure of accounting transaction and events in the financial statement, मतलब हर country में एक body होती है जिसको apex accounting body, मतलब जो top most accounting body होती है वो issue करती है। मैं आपको बताऊँ, आप जैसे accounting standards पढ़ते हो वैसे standard on auditing भी होते हैं, कंपनी सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस स्टैंडर्ड होते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो हर एक, जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन इशू कर रहा है, जो ICMI है, मतलब जो कॉस्ट इंस्टीट्यूट है, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड कौन इशू कर रहा है, जो CS इंस्टीट्यूट है, तो हर इंस्टीट्यूट ने अपने अपने स्टैंडर्ड्स हैं। हम लोग जो बात कर रहे हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं, सी इंस्टीट्यूट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करता है, साथ साथ स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग भी, ये भी पढ़ने पड़े, जब आप आगे आओगे जब ऑडिट पढ़ोगे तो आपको कौन से स्टैंडर्ड्स पढ़ने, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग भी पढ़ने,
तो स्टैंडर्ड्स क्या होती है, गाइडलाइंस होती है, जो रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको बताते हैं कि काम कैसे करना है, ये रूल्स होते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ बच्चे, और वो ये रूल्स किस लिए है, रिकॉग्निशन के लिए, मतलब कोई इवेंट्स रिकॉग्नाइज करनी है नहीं करनी, अगर करनी है तो उसकी मेजरमेंट कैसे होगी, और मेजरमेंट कैसे करनी है ये बताने के बाद उसकी प्रेजेंटेशन कैसे होगी और उसका डिस्क्लोजर कैसे देगा। मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेसिकली क्या बताते हैं कि किस आइटम को रिकॉग्नाइज करना है किसको नहीं करना। मतलब मुझे अगर मैं AS 10 जाके पढ़ू, AS 10 फॉर PPE प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो मुझे बताता है, सबसे पहले तो ये बताता है कि कौन सी टैंजिबल एसेट एज ए PPE आएगी और कौन सी टैंजिबल एसेट एज ए PPE नहीं आएगी, मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जिसको आप फिक्स्ड एसेट बोलते हो। तो यहाँ पर पहली बात तो ये बताता है, वो रिकॉग्नाइज करने की बात बताता है। दूसरा वो बताता है कि अगर आपने रिकॉग्नाइज क्राइटेरिया को पार कर लिया है तो आपकी मेजरमेंट कैसे होगी, और मेजरमेंट होगी है तो उसकी प्रेजेंटेशन कैसे होगी, एंड नाउ द डिस्क्लोजर कैसे दिया जाएगा, उसके लिए डिस्क्लोजर किस तरीके से दें। तो चार बातें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में होती है, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन कैसे करना है। आगे क्या लिखा है बच्चे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो दिए जाते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेसिकली जो डील करते हैं वो किससे, रिकॉग्निशन, मैंने बताया मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर की बात करते हैं, ये चार बातें फिर नीचे दी हुई। अब बात आती है मेरी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। कह रहे फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मतलब क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना रहा हूँ, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं होंगे तो क्या सब लोगों की अकाउंटिंग पॉलिसी डाइवर्स होंगी? यस। एज ए यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैं डिसीजन लेना चाहता हूँ 3 कंपनियों के बारे में, A, B, C, अब मुझे इनमें से किसी एक में इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट करने के लिए मैं इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करूंगा। बट अगर तीनों ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है वो डिफरेंट रूल्स या सेट्स पर बनाई है, डिफरेंट रूल्स रेगुलेशन यूज करके बनाई है, तो मेरे लिए कंपैरिजन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। कंपैरिजन अच्छा कब होगा, जब इन तीनों को, मतलब मैं एक ही स्टैंडर्ड पर, अगर इन एक ही स्टैंडर्ड पर अगर मैं इनको बनाता हूँ तो उसका मतलब है कि फिर तो मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी मानी जाएगी, मतलब माना जाएगा कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कंपेरेबल है। तो अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं तो इससे क्या होता है, वो जो डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसी का एस्पेक्ट होता है वो धीरे धीरे खत्म होता जाता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब स्ट्रेट थ्रू आपको रूल्स बता दिए गए आपको बुक्स कैसे, तो इससे यूनिफॉर्मिटी आती है आपके, मतलब कंट्री में जितनी भी कंपनीज होंगी, जितनी भी इंडस्ट्रीज होंगी, वो सिमिलर अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करेंगी, तो आपके लिए उनको कंपेयर करना क्या होगा, आसान होगा। मतलब एक इंडस्ट्री की डिफरेंट फर्म्स अगर अलग अलग तरीके से अकाउंटिंग करेंगी तो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला तो जो अकाउंटिंग करने का, मतलब जो AS का एडवांटेज है वो ये है, एलिमिनेट नॉन कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड देयर बाय इंप्रूविंग द रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरा, प्रोवाइड अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी वैल्यूएशन नॉर्म्स एंड डिस्क्लोजर, मतलब इसने बता दिया तो इसका मतलब है सब एक ही तरीके से अकाउंटिंग करेंगे, डिस्क्लोजर के रूल सेम है, डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती जाएंगी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बच्चे समझो, आपके पास रूल्स आ गए, जब रूल्स आ गए तो फिर तो बात ही खत्म होगी, फिर तो सब आपको पता है कैसे करना है। नेक्स्ट है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिड्यूस द अकाउंटिंग अल्टरनेटिव इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद इन द बाउंड्स ऑफ रैशनैलिटी एंड देयर बाय इंश्योरिंग द कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंट एंटरप्राइज। मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्या होता है, जो अकाउंटिंग अल्टरनेटिव्स होते हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। मतलब स्टैंडर्ड कहता है कि ये करना है, फिर उसके आगे आप नहीं जा सकते। मतलब अगर आप देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट आपने पढ़ा, कैश फ्लो स्टेटमेंट 12th में बनाया, AS 3 से बनाया था आपने, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3rd, तो उसमें आपने कितनी एक्टिविटीज में बनाया, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। लेट अस सपोज कि वो स्टैंडर्ड ना हो और मैं बोलूं कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ, तो कोई 2 में पार्ट बाइफ्रिकेट करेगा, कोई 3 में करेगा, कोई 4 में करेगा, कोई 5 में करेगा। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 होने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, जिसकी भी कैश फ्लो स्टेटमेंट आएगी वो उन्हें 3 एक्टिविटीज के अंदर क्लासिफाइड होगी, उसके अलावा कोई अदर एक्टिविटी आपको देखने को नहीं मिलेगी, आपको कुछ और एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी। ये एक इम्पैक्ट पड़ता है, आप समझो ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मतलब रूल्स, स्टैंडर्ड रूल्स मिल गए और उन्हीं रूल्स पर आपको क्या करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी है, रिकॉग्निशन करनी है। मतलब AS के चार काम कौन से हैं, AS के चार काम है आपके कौन कौन से, रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन का मतलब होता है कोई ट्रांजेक्शन रिकॉग्नाइज करनी है, मतलब बुक्स में लानी है नहीं लानी, वो मुझे AS पहले ही बता देगा। मतलब मैं AS 10 से पूछने गया तो आप AS 10 जब आप पढ़ोगे इंटर में, तो PPE AS 10 है अकाउंटिंग फॉर PPE मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, वो स्टेज 1 पे ही बता देता है कि किसको PPE मानना है किसको नहीं मानना, वो रिकॉग्निशन होती है। मेजरमेंट दूसरे स्टेप पे वो बताता है कि मेजरमेंट कैसे करनी है, तीसरे स्टेप पे मुझे बताता है कि उसका प्रेजेंटेशन करना है, जिसमें मेरे पास PPE को डिस्क्लोज करने के 2 मेथड होते हैं,
मार्केट में ज्यादा रीवैल्यूएशन मॉडल और कॉस्ट मॉडल तो मैं वैसे भी दिखा सकता हूँ, और नेक्स्ट है उसके बाद में उसका डिस्क्लोजर कैसे दूंगा। मतलब ये मैं आपको तो ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये आप डेप्रिसिएशन का चैप्टर जब पढ़ोगे तो आपको वहाँ पीपी मैंने बहुत डिस्क्लोजर बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो वहां पर आपको समझ आएगा मेरी बातें क्या है। आज जो मैं आपके बातें कर रहा हूँ वह मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस करी, यहाँ तो मैं आपको बस एक ओवरव्यू टाइप में दे रहा हूँ कि भाई इस तरीके की बातें आगे जाके आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट है बच्चे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो हमारे पास एक टाइम पे AS1 से लेके AS32 तक जाते थे, 32 स्टैंडर्ड्स होते थे एक जमाने में। अब जो आप ऐसे कहते जो 30, 31, 32 ये नोटिफाई नहीं हुए, इसलिए इनको तो भूल जाओ, ये तो खत्म हो गए। अब बात करूं ये जो डेप्रिसिएशन का 6 है, ये 1/4/2016 से विड्रॉ हो गया था, ये मर्ज हो गए AS10 में। मतलब जो बातें 6 में लिखी थी वो खत्म करके किस में डाल दिए, AS10 में डाल दिए। 8 खत्म करके उसकी बातें किस में डाल दिए, 26 में। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे अगर कोई खर्चा होता था तो वो इनटेंजिबल एसेट्स बनती थी, इसलिए उसको सारी बातें कहाँ डाल दी, यहाँ डाल दी। तो नेट सेल में देखूँ 29 में से 2 और लेस कर दूँ, ये 2 लेस कर दूँ, तो मेरे पास नेट सेल में आज जो इफेक्टिव स्टैंडर्ड है वो कितने हैं, इफेक्टिव है 27 स्टैंडर्ड्स हैं जो मुझे पढ़ने हैं, जो कि मैं इंटर में ग्रुप 1 में जाके भी डिस्कस करूंगा, ग्रुप 2 में भी। 1 है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, 2 है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। मतलब अगर आप AS2 पढ़ोगे, ये मैं इन्वेंट्री वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, अगर आप AS2 को देखोगे तो वो मुझे बताता है कि इन्वेंट्री की वैल्यूएशन, मतलब आप अपने स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे करोगे, कौन कौन से ऐसे खर्चे हैं जिसको स्टॉक में इंक्लूड करोगे और कौन कौन से ऐसे खर्चे हैं जिसको स्टॉक की वैल्यूएशन में इंक्लूड नहीं करते। क्लियर है, कोई डाउट बचे? अब जो AS की बात करें, अब आपके पास जो 3 चीजें थी मैं आपको बताऊं, वो आगे की बातें, जो एक है इंड AS और एक है IFRS। इंड AS का मतलब होता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एक होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, मतलब IFRS का मतलब होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड जो है। मतलब आप ऐसे देखो, हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप क्यों किया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप करने का हमारा ऑब्जेक्टिव था कि यूनिफॉर्मिटी है, डिफरेंस ना है, सबकी बुक्स एक जैसी रहे। अब आप प्रॉब्लम देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो इंडिया में बने वो सिर्फ इंडिया में एप्लीकेबल होंगे, इंडिया के बाहर वाली कंपनीज पे तो वो एप्लीकेबल नहीं होते। एज ए यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैं अगर इंडिया में दो कंपनी को कंपेयर करना चाहता हूँ तो मेरे लिए आसान था, बिकॉज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सबके लिए सेम थे। लेकिन इंडिया के बाहर अगर मैं देखूँ, आज के टाइम में ग्लोबलाइजेशन के जमाने में इन्वेस्टर इंडिया में भी पैसे लगा रहा है, बाहर भी लगा रहा है। अब एज ए इन्वेस्टर मैं इंडिया की किसी कंपनी को कंपेयर करना चाहता हूँ विद द US कंपनी, तो US गैप और इंडियन गैप, जो गैप मतलब होता है जनरली GAAP, तो GAAP का मतलब होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिनको गैप बोलते हैं। इंडियन गैप मतलब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, US गैप मींस मतलब US के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब मैं एज एन इन्वेस्टर मैं डिसाइड करना चाहता हूँ कि मुझे पैसा लगाना है इन US कंपनी और इंडियन कंपनी। अब इंडियन कंपनी ने तो अपनी बुक्स इंडियन गैप्स के अकॉर्डिंग बनाई है, जिसको इंडियन अकाउंटिंग ये वाले अभी इंडियन अकाउंटिंग, इनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही बोलते हैं। अब हुआ क्या, जितनी कंपनीज बड़ी थी जिनकी टर्नओवर काफी ज्यादा है, वो तो इंडिया के बाहर भी काम करती हैं, जो MNCs की बात करूं मल्टीनेशनल लेवल पे काम कर रही है, और यूजर क्या चाहता है, अब कंपैरिजन चाहता है, तो उसके सामने एक और प्रॉब्लम आ रही है कि US की कंपनीज US गैप के अकॉर्डिंग बनी है जितने उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, और इंडियन कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंडियन गैप्स के अकॉर्डिंग बनी है, तो कंपैरिजन अब फिर हो गया। तो एक डिसाइड किया गया कि एक ग्लोबल लेवल पे, जैसे अकाउंटिंग बोलते हैं अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, तो इंडिया में तो वो लैंग्वेज ऑफ बिजनेस सेम रखी गई, बट इंडिया के बाहर प्रॉब्लम आने लगी, दो कंट्रीज में लैंग्वेज सेम नहीं थी। तो फिर एक स्टैंडर्ड डेवलप किए जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, जो कि डेवलप किए गए ग्लोबल लेवल पे। मतलब अगर मैं बात करूं तो मेरे पास IFRS है क्या, बेसिकली IFRS है क्या, IFRS वो मतलब मेरे पास वो स्टैंडर्ड्स हैं जो हमने मतलब बड़ी, जैसे आप ऐसे तो डिफरेंट कंट्रीज की अकाउंटिंग बॉडीज ने मिलकर डेवलप किए कि भाई हाँ, अब हम अपनी जितनी भी बड़ी कंपनीज होंगी उनको बोलेंगे कि अब आप अपनी जो बुक्स बनाओ वो AS के अकॉर्डिंग मत बनाओ, IFRS के अकॉर्डिंग बनाओ। तो IFRS जो बनाएंगे वो बेसिकली इसलिए बनाए गए थे कि पूरे वर्ल्ड में सबकी अकाउंटिंग लैंग्वेज क्या हो, सेम हो, तो उसको बोलते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। बट बाय सम रीजन, कुछ रीजंस की वजह से, मतलब इंडिया ने कमिट तो किया था कि वो IFRS को अडॉप्ट करेगा, वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट IFRS के अकॉर्डिंग बनाएगा, बट somehow कुछ reasons, कुछ मतलब आप ऐसे कह सकते हो कुछ differences आ रहे थे, कुछ legal points में difference आ रहा था कि इंडिया ने IFRS को adopt नहीं किया। मतलब आप ऐसे कह सकते हो, आप जब CA final में आओगे तो आपको Ind AS भी पढ़ने होंगे, IFRS भी पढ़ने होंगे। IFRS क्या है, International Financial Reporting Standards है,
जो मतलब डेवलप किए गए कि पूरी सबकी पूरे वर्ल्ड में क्या हो, लैंग्वेज सेम हो। इंडिया ने भी ये बात कमिट की थी कि वो इंडियन मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को मतलब अडॉप्ट कर लेगा, अपने यहाँ पर यूज करेगा, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो इसलिए इंडिया ने क्या किया, उन IFRS के बदले कुछ अपने देसी स्टैंडर्ड्स बनाए जिसको हमने नाम दिया IND-AS। तो उसका मतलब है इंडिया में अब तीन तरीके के रूल्स हैं। एक है AS, AS लगते हैं उन कंपनीज के लिए जो इंडिया में ही काम करती है, इंडिया के बाहर नहीं जाती, मतलब जिनका काम बहुत छोटे लेवल पे काम होता है उन लोगों के लिए तो AS लगते हैं। जिनका टर्नओवर बहुत ज्यादा है, ये आप पढ़ोगे क्राइटेरिया, टर्नओवर क्राइटेरिया है, कैपिटल क्राइटेरिया, जिनकी इतनी कैपिटल टर्नओवर क्राइटेरिया मैच हो जाती है उनपे क्या लगते हैं, उनपे IND-AS लगते हैं। तो IND-AS और IFRS की बात करूं तो IFRS को हमने क्या किया, मतलब हमने ग्लोबली कमिट किया था कि हम IFRS को अडॉप्ट कर लेंगे। 2009-10 तक बात हो रही थी कि इंडिया में IFRS आ जाएंगे एंड उसके बाद हम IFRS पे काम करना शुरू कर देंगे। लोगों ने IFRS पे फोकस भी किया था। लेटर ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा भी IFRS हम अडॉप्ट नहीं करते, दे आर इनकंसिस्टेंट विद अवर लॉज, मतलब हमारे कानून के साथ वो मैच नहीं करते, दे आर सम डिफरेंसेस। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, IFRS में थोड़े से चेंजेस मॉडिफाई करे, कुछ ऐसी चीजें मतलब IFRS को लिया, अपने पास कॉपी पेस्ट मारा और उसमें जो चीजें अपने आप से मैच नहीं करती थी वो चेंज कर दी और फिर उसको एक नया नाम दे दिया। क्या दे दिया, IND-AS। तो इसका मतलब जब आप IND-AS और IFRS पढ़ोगे तो वो 80-90% सेम ही है, मतलब जो बातें यहाँ लिखी है वही यही लिखी गई है। तो अगर देखूँ तो ये सारी जो मैंने आगे की, अगर आप देखो ये जो आगे के पेजेस है 4-5 पेज है, वो पूरी हिस्ट्री है नीड फॉर कन्वर्जेंस विद टुवर्ड्स ग्लोबल स्टैंडर्ड। मतलब धीरे धीरे गवर्नमेंट को लगा या कंट्रीज को लगा कि भी अब हमें कन्वर्जेंस करनी चाहिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को सबको एक साथ लेकर आना चाहिए पूरे वर्ल्ड के साथ। ये सारी वही हिस्ट्री है जो मैंने आपको बताया, ये पुरानी पास्ट हिस्ट्री है कि भी फिर ये सारी हिस्ट्री लिखी हुई है मैम दोनों तो थ्योरी में, ये इतनी रेलेवेंट नहीं है, एग्जामिनर आपसे ये सब चीजें नहीं पूछेगा। मैं आपको बेसिक पॉइंट्स बता रहा हूँ कि IFRS के पीछे जाने का ऑब्जेक्टिव क्या था। डिसाइड हो गया था 8-9 तक कि IFRS आएंगे इंडिया में, बट इंडिया में IFRS नहीं आए, बिकॉज ऑफ इंडिया में IFRS को यूज नहीं कर पाया, अडॉप्ट नहीं कर पाया, इसलिए उसने क्या करा IFRS में चेंजेस कर दिया और वो IND-AS बन गए। तो आप जब CA फाइनल में आप आओगे तो आपको IFRS भी पढ़ने को मिलेंगे और IND-AS भी पढ़ने को मिलेंगे। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के साथ अगर मैं बात करूं, जो हमारे पास IFRS है वो ये IND-AS है। तो IND-AS हमें ये पढ़ने हैं और मैं आपको बताऊँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, कमिटमेंट टू IFRS कन्वर्ज IND-AS। कह रहे इनिशियली IND-AS अवर एक्सपेक्टेड टू बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम द ईयर 2011, हाउएवर कीपिंग इन व्यू द फैक्ट दैट द सर्टेन इशू इंक्लूडिंग टैक्स इशू वाज स्टिल टू बी एड्रेस्ड, द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर डिसाइड टू पोस्टपोन द डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ IND-AS इन जुलाई 2014। फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम श्री अरुण जेटली जी इन हिज बजट स्पीच अनाउंस दैट द अर्जेंसी टू कन्वर्स, मतलब आप ऐसे कह सकते हो 2014 में जाके हमने IND-AS बनाए, मतलब IND-AS को क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। तो मतलब 7-8 से बात होनी शुरू हुई, 11 में जाके मतलब हमें IND-AS की तरफ गए और फाइनली हमने डिसाइड किया कि अब हम IND-AS को यूज करेंगे। तो मैं आपके लिए बोलूं कि भी IND-AS आपके लिए कुछ और है, IND-AS मतलब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मतलब जो हमने मल्टीनेशनल्स के लिए बनाए और वो IFRS ही थे, मतलब आपने ग्लोबल लेवल पे कमिट किया था कि आप IFRS को अडॉप्ट करोगे, लेकिन IFRS में ऐसे कुछ इश्यूज थे उसको इंडिया में अप्लाई करना डिफिकल्ट था। तो गवर्नमेंट ने डायरेक्टली IFRS नहीं उठाए, उसमें कुछ चेंजेस करे और उसको उसने एक नया नाम दिया, मॉडिफाइड IFRS को मैं क्या बोलता हूँ, मैं IND-AS बोलता हूँ। तो उसने IND-AS बनाए और आप देखोगे जब आप फाइनल में आप आओगे, मेरी बात आपको याद रहना कि भी यही बात याद रखना कि IND-AS में वही सब बातें लिखी हुई है जो किसमें लिखी हुई है, IFRS में लिया। मैं आपको बोलूं कि AS में भी अब वही बातें लिखनी शुरू हो गई है जो IFRS में लिखी गई है। तो कोशिश ये की जा रही है कि सब बातें एक जैसी हो। तो अभी आपको तीन तरीके के स्टैंडर्ड्स को पढ़ना पड़ेगा, अभी नहीं मतलब इंटर फाइनल में जाके, इंटर में तो IFRS का नाम ही नहीं है, IND-AS का नाम भी नहीं है, IND-AS और IFRS सब आपको आपको फाइनल में जाके पढ़ने, इंटर में आपको जाके नहीं पढ़ने। तो मैं आपको बोलूँ ये जो इतने सारे पेजेस हैं इनमें सिर्फ यही बातें लिखी हैं कि कब क्या हुआ, हिस्ट्री कब से स्टार्ट हुई, कब कैसे क्या हुआ, कौन सी कमेटी बनती है, इन सब की तरफ आपको नहीं जाना। इस चैप्टर का जो मेन जो पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिया है। मेन पॉइंट मैंने आपको बताया अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होती है, पॉलिसीज बनाते हुए आपको किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, नेक्स्ट है आपको चेंज करो तो क्या करना है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट जो एग्जाम में पूछा जाता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंने बता दिया, रूल्स एंड गाइडलाइंस होती है, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ये डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, नेटशेल में मेरे पास 27 स्टैंडर्ड है, 27 स्टैंडर्ड है अब जो इफेक्टिव है। अब बात आती है IFRS की,
IFRS में आपको बता चुका हूँ कि गवर्नमेंट को था कि भी अब आपको कन्वर्जेंस लानी है पूरी कंट्री को ग्लोबल मार्केट, आप पूरा वर्ल्ड क्या बन चुका है, ग्लोबल मार्केट बन चुका है, तो अब आपको एक सिंगल मार्केट की तरह रखना है, तो आपकी अकाउंटिंग लैंग्वेज भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इसके लिए सारी कंट्रीज ने मिलकर IFRS डेवलप किए, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज में आपको तो IFRS का यूज होता है, ठीक है। इन सब ने मिलकर अकाउंटिंग आपको सेम करने की कोशिश की, बट इंडिया कमिट करने के बाद भी नहीं कर पाया, तो इंडिया ने कुछ उसका एक सॉल्यूशन निकाला, और वो सॉल्यूशन क्या था, इंड एएस, जो कि IFRS का आप कह सकते हो मॉडिफाइड वर्जन था। गवर्नमेंट ने IFRS को डायरेक्टली नहीं उठाया, उसमें कुछ चेंजेस किए और चेंजेस करके उसको अपने पास इस्तेमाल किया, और 2014 में वो क्या हुए, वो अप्लाई हो गए। अब मैं आपको बताऊं ये किस कंपनीज में लगते हैं, टर्नओवर का क्राइटेरिया क्या होता है IFRS का, ये सारी बातें आप कब पढ़ेंगे, ये सारी बातें आप इंटर में जाके पढ़ेंगे, इंटर में सारा IFRS का, ठीक है जी। बात समझ आ रही है बच्चे, ठीक है, थैंक यू। आज की क्लास में इतना ही, अब हम बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है।